नमस्कार, आवाज काफी कम है आपकी। नमस्कार, वेरी गुड। मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सफायर मैनेजर हूं। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं बेसिकली यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की है। इसमें ज्यादातर टाइम दिल्ली में नौकरी की है, क्योंकि नौकरी में ज्यादातर हैंड टू माउथ रहता था, तो मुझे लगा कि इस नौकरी में तो एक अच्छी सी कॉलोनी में दिल्ली में अच्छा सा घर भी नहीं बन पाएगा, और बन पाएगा तो जब तक रिटायर होंगे 60-65 साल की एज होगी तब तक बन पाएगा। क्योंकि मैं एम्बिशियस था, आगे बढ़ना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, एवरेज लाइफ जीना मुझे मंजूर नहीं था, तो मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। और ऊपर वाले की कृपा से बिजनेस भी अच्छा चल निकला। फिर सडनली क्या है, बिजनेस में लॉसेस होने लगे, क्योंकि जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे उनमें से कई कंपनियां बंद हो गई, और जितना कमाया था सारा चला गया और उल्टा कर्जा चढ़ गया। अब मुझे लगा मैं कुछ खतरनाक बिजनेस मैंने कर लिया है, तो फिर मैं एक सेफ बिजनेस की तलाश करने लगा। और तलाश करते करते ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी एक कंपनी हमने 4 साल की, एक रात को सोए सुबह उठे कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। मैंने कहा इधर भी लोचा है भाई, ये भी स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी कंपनियों में धक्के खाना चालू कर दिया। करीब 3 महीने तक करीब 35 कंपनियों में धक्के खाए, लेकिन 3 महीने बाद एक चीज मुझे क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिर इसमें मैंने पार्ट टाइम काम करना चालू किया, कुछ महीनों के अंदर ही ठीक ठाक इनकम आने लगी। तो फिर मेरा माथा चकराने लगा, मैंने सोचा कि देखिए पार्ट टाइम में ही अच्छी इनकम आने लगी है, इसको मैं फुल टाइम कर लूं या यहां पे और ज्यादा टाइम दूं तो और ज्यादा पैसा आ सकता है। तो मैंने यहां पे टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल बिजनेस में घटाना स्टार्ट किया, और फिर मैंने देखा मेरी इनकम और बढ़नी चालू हो गई। और अभी बढ़ते बढ़ते यह हालत है कि अब तक 15 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी मुझे फॉरएवर से आ चुका है, और पिछले 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा आ चुका है। 1 महीने का लगाएं तो 15 लाख से ज्यादा बैठता है, 1 दिन का लगाएं तो 50,000 से ज्यादा बैठता है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि यहां पे मैं इतने पैसे के लिए नहीं आया था। मुझे ये था कि यहां पे मुझे 40-50 हजार रुपए महीने पार्ट टाइम आ जाए, और 40-50 हजार रुपए मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस से आ जाएं। यदि 80,000 लाख रुपए महीने आएंगे तो लाइफ बढ़िया तरीके से आएगी। लेकिन क्या है, जब ज्यादा आने लगते हैं वो भी बुरे नहीं लगते हैं, आपको भी नहीं लगेंगे। दोस्तों जब आप कोई बड़ा काम करने निकलते हैं तो तरह तरह की अड़चनें आपके सामने आती हैं, और इन अड़चनों को दूर करना बड़ा जरूरी होता है। इनको यानी आगे इन अड़चनों को से निकलना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही मैं एक दिन का जो वाक्य है वो मैं भूल नहीं सकता। ये दिन है 21 दिसंबर सन 2000 का, रात के 3:30 बजे थे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, और मुझे यानी बड़ी गर्मी लग रही थी, और मैं बड़ा उदास हताश बिल्कुल टूटा हुआ था एकदम।
क्योंकि कर्जा चढ़ा हुआ था। वैसे तो कोई नई बात नहीं है, जब ये कर्जा चढ़ा हुआ था तो करीब 2.5 महीने तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई हुई थी, लेकिन उस दिन 3:30 बजे तक, यानी मैं बुरी हालत थी, गर्मी लग रही थी बहुत। फिर सडनली क्या हुआ, सर्दी के दिन थे तो मैं उठा, बिस्तर से उठा, ड्राइंग रूम में गया, तो ड्राइंग रूम से हमारा दरवाजा है जो बाहर एक जगह है, तो वहां पे गया मैं बाहर, बाहर से फिर वापस आया ड्राइंग रूम में। तो दोस्तों मैं एक डिसीजन ले चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, ये कर्जा उतर पाएगा या नहीं, तो बड़ी असमंजस में था। लेकिन उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं लाइफ में आगे बढ़ के रहूंगा, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और दोस्तों इस दिन के 4.5 साल के अंदर मेरा कर्जा उतर चुका था, और मैं दिल्ली के अंदर एक पॉश लोकेलिटी में एक रेंटेड हाउस से 6-बेडरूम हाउस खरीद के गया। दोस्तों यह है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर। इसमें क्या है, देखिए अक्सर लोग तकदीर पे जो है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो फॉर एवर में भी, फॉर एवर के बाहर भी, नए लोग भी, जो कहते हैं कि भाई हमारी तो तकदीर में ही नहीं है, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है, मतलब किस्मत का बहुत रोना रोते हैं लोग। मुझे दो लाइनें इस पे याद आ रही हैं, कर्म भूमि में कर्म सभी को करना है, कर्म भूमि में कर्म सभी को करना है, लकीरें तो भगवान ने दी हैं, लेकिन रंग तुम्हें ही भरना है। देखिए तकदीर पे बहुत ही ज्यादा रोना रोते हैं लोग, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहां पे ला रहा हूं कि किस्मत पे जो है बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं लोग। तो उनके लिए ये और दो लाइनें हैं, तकदीर के खेल में विश्वास ना करो यारो, बेकार की चीजों में विश्वास ना करो यारो, तकदीर के खेल में विश्वास ना करो यारो, बेकारों की चीज में विश्वास ना करो यारो। लोग कहते हैं कि तकदीर हाथों पे लिखी होती है, लेकिन दोस्तों तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अब ये देखिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो आज जिस कंपनी में आप बैठे हुए हैं, ये मैं सोचता हूं आप लोग कितने लकी हैं मैं बता नहीं सकता आपको। अभी 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था इंटरनेशनल सर्वे का रिजल्ट, पूरी दुनिया के अंदर जो 1 लाख कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, उनमें से जो यानी टॉप लेवल की जो कंपनीज हैं उन सब का सर्वे हुआ पूरी दुनिया में। यह सर्वे हुआ सन 2015 के लिए, और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। एक 1000 कंपनियों में से सबसे बढ़िया कंपनी का मिल जाना, मैं सोचता हूं यह बहुत बड़ी चीज है, और आप लोग बहुत बहुत लकी हैं। देखिए मैं पूरी दुनिया में, हमको इतने बढ़िया कंट्री मैनेजर मिले हुए हैं, इतनी बढ़िया इन्होंने ट्रेनिंग्स बनाई हुई हैं, मैं करीब करीब 160 देश में यह कंपनी चलती है, करीब करीब सारे कंट्री मैनेजर से मैं मिला हुआ हूं, पर्सनली मिला हुआ हूं ज्यादातर से, और मैं जानता हूं कि हमारे जो कंट्री मैनेजर हैं दुनिया के सबसे बढ़िया कंट्री मैनेजर हैं।
और अमरजीत सर के लिए और रेक्स के लिए दो लाइन है, महाजन संसर्ग कस्योन्नति कारक है, महाजन संसर्ग कस्योन्नति कारक है, पदम पत्रितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम। इसका मतलब है अच्छे लोगों की संगति किसकी भलाई करने वाली नहीं होती, किसकी उन्नति करने वाली नहीं होती, अर्थात सबकी उन्नति करने वाली होती है। जिस तरह से कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी भी मोती के समान चमकदार हो जाता है, उसी तरह यदि फॉरएवर के साथ कोई भी रहेगा वो चमकदार बनना ही बनना है। हमारी कंपनी जो बिलोंग करती है वेलनेस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, नेटवर्क मार्केटिंग को बिलोंग करती है। नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस, इसका जो कॉम्बिनेशन है, सर्वे में ये आ चुका है कि सन 2015 से 2020 तक जितनी तरक्की इसमें करनी है दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में इतनी तरक्की आज तक नहीं की है, इसमें सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देना है। आज फॉरएवर इंडिया की मैं बात करूं तो मेरे ग्रुप में 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने के बीच है आज की डेट में। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है, यानी 500 लोग मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है, उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी 1 लाख से कम है। वो कितने लोग होंगे जरा सोच के देखें आप। 500 लोग ऐसे हैं। आने वाले टाइम की बात करें तो मैं ये सोचता हूं कि अभी आने वाले 5 साल में जो भी व्यक्ति अच्छी तरह काम करेगा फॉरएवर के अंदर, उनको 5 साल बाद किस तरह का पैसा आएगा वो खुद भी नहीं सोच सकते आज की डेट में। उनको बड़े अनाप शनाप चेक आने वाले हैं और वो वर्चुअली किंग और क्वीन की लाइफ को व्यतीत करने वाले हैं सन 2020 के बाद। वो प्रिंस और प्रिंसेस की लाइफ को जीने वाले हैं जो भी व्यक्ति ये 5 साल काम कर लेगा, क्योंकि ये तरक्की ही तरक्की होने वाली है आगे। अभी मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। छत पर उनको जाना, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिनको छत पर जाना होता है, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिनको छत पर जाना होता है, जिसकी मंजिल हो आसमां उन्हें रास्ता खुद बनाना पड़ता है। धन्यवाद। थैंक यू।